एनजीटी के तहत प्रदेश में नदी नालों के 100 मीटर के दायरे में चल रहे स्टोन क्रेशरों को बंद करने के फैसले पर प्रदेश सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। हमीरपुर पहुंचे उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने माना कि फैसले से प्रदेश सरकार को भारी वित्तीय हानि होगी, जिसके कारण कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्णय लिया गया है। हमीरपुर के बचत भवन में जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने शिरकत की और बैठक में कर्मचारियों से लंबित पड़े कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि जिला में सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द लंबित कार्यों को पूरा किया जाए। ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग होती है, इसमें पर्टिकुलर कंपोनेंट्स रहते हैं जिन कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा होती है। इसमें कुछ बजटरी जो प्रोविजंस हैं उनकी यहाँ पर अप्रूवल्स भी होती हैं, कुछ बैकवर्ड सब प्लान में क्या काम हो रहा है उसकी भी चर्चा होती है, और अलग अलग विभागों ने क्या क्या किया है उन सभी के कंपोनेंट्स को की परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे देखी जाती है। चाहे वो PWD है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सभी का रिव्यू जो है, जो पर्टिकुलरली 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, उसके बारे में सारी चर्चा यहाँ पे की जाती है। यह उससे बिल्कुल फर्क की बात है जो आप पूछ रहे हैं। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर यह नहीं है कि हम किसी भी कंपोनेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम में जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटेशन का विषय आता है, तो सैनिटेशन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, स्वच्छ भारत के मिशन के ऊपर हमने क्या काम किया है, जो बैकवर्ड हमारी पंचायतें हैं उस पर क्या काम किया है। जो आज की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, जो देखी है, वो तो संतोषजनक है, और उसके ऊपर और ज्यादा काम करने के लिए विभाग को हमने निर्देश दिए हैं, और मुझे लगता है जब अगली मीटिंग हमारी आएगी और स्पष्टता के साथ चीजों को हम चर्चा में लाएंगे। सीमेंट के दामों पर हो रही चर्चाओं पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सीमेंट के दामों में सुधार करने की जरूरत है और सीमेंट के दामों से आम जनता को राहत मिलने के लिए जल्द ही परिवहन मंत्री से भी मिलकर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में सीमेंट के दामों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीमेंट के दाम की कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सीमेंट महंगा मिलता है। उसके पीछे सीमेंट का महंगा होना, जो हमारी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, फ्रेट रेट है हमारा, वो रेट जो बाकी अदर स्टेट से कहीं ज्यादा अधिक है, उसके कारण से ये प्रॉब्लम है। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि पिछली विधानसभा के अंदर इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी, उसके बाद लगभग 5 रुपए से लेकर 12 या 13 रुपए तक की जो हमारे बॉर्डर एरिया है, जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस था, उनमें हमने उस डिफरेंस को कम किया है। लेकिन अभी भी उसमें काफी ज्यादा सुधार करने की गुंजाइश है, और मुझे ऐसा लगता है अभी इस सेशन के बाद हम फिर दोबारा से अपने परिवहन मंत्री जी के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टर्स के साथ बात करेंगे, ताकि आम जनता को उससे राहत मिल सके। एनजीटी के क्रेशरों को बंद करने के फैसले पर उद्योग मंत्री ने सहमति जताई है और कहा कि एनजीटी के फैसले को रिव्यू करके विभाग भी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा, ताकि क्रेशरों के बंद होने के फैसले पर दोबारा से कोर्ट विचार करे। एनजीटी का फैसला आया है, उस फैसले के बारे में हमारे विभाग ने चर्चा की है, और हमारे विभाग ने अभी ये फैसला भी किया है कि कोर्ट के अंदर जाकर अपने पक्ष को रखेंगे। और क्योंकि जो भी आपके क्रशर्स लगे हैं, जहां जहां भी माइनिंग लीज हुई हैं, इनके अभी कोई 5-7 साल पहले कुछ एक्ट में प्रोविजन आया था, बदलाव आए थे, लेकिन आज एनजीडी का फैसला आया है, जिसके कारण से एक बड़ा रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश को जो मिलता है उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगेगा। लेकिन विभाग ने जो फैसला किया है, वो कोर्ट में जाकर अपने इस सारे विषय को रखेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के प्रदेश से 2 प्रमुख प्रोजेक्टों के वापस जाने पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को तथ्य सहित नकारा है और अगर ऐसी चूक कोई हुई है तो सरकार ध्यान देगी। वहीं उन्होंने कहा कि उनके विभाग से संबंधित मामला नहीं है। इसके नेता की ड्यूटी है ये सारी ना, आरोप लगाना तो ड्यूटी है उनकी, और जो उन्होंने तथ्य वहां दिया है, आज ही मेरे ध्यान में आया जो आप बोल रहे हैं, मैंने भी उसको अखबार में ही पढ़ा है अल्टीमेटली, क्योंकि मेरे विभाग से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई बात, कोई चूक हुई है, तो उसके ऊपर सरकार ध्यान देगी।